काम पड़ जाए तो बड़ा बच्चा उसको हमने बने गाड़ी करते हैं और मेरा खासा बच्चा मर जाए तो बाप जलाने संविधान देता है। इसकी शूटिंग ये होती है कि सब मनुष्य सृष्टि में बड़ा बच्चा कौन है, है? अरे इस मनुष्य सृष्टि में कोई बड़ेल्ला है या नहीं है, कौन है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा संगम युग में जब अपना परिचय रूपी पूरा जन्म लेती है, अपने पार्ट को पहचानती है, अपने पार्ट के संगम युगी रहस्य को पहचान लेती है, तो वो कब आती है ज्ञान में? हैं? हैं? अरे ज्ञान में माने, ज्ञान माने पहचान, क्षेत्र में पहचान में आती है। जब पहचान में आती है तो योग अग्नि किसी को लगती है या नहीं लगती है? पहले पहले ज्ञान की अग्नि किसी को लगती है या नहीं लगती है? हैं? किसको लगती है? ब्रह्मा वाली आत्मा को लगती है। जिस आत्मा को अग्नि लगती है वो आत्मा ज्ञान मार्ग में उसका बाप बने या नहीं बने? अरे वो ब्रह्मा कुमार बनता है या नहीं बनता है जो अग्नि लगाने वाला है? तो वो बाप है, वो बच्चा है। सनत कुमार को ब्रह्मा का बच्चा कहते हैं या बाप कहते हैं? बच्चा कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये परंपरा चल पड़ी, क्या जब बाप मरता है तो अग्निदान बड़ा बच्चा करता है। दाह संस्कार जो होता है ना, हाँ। तो पूछ रही है माता के मझला बच्चा जो है, हाँ। तो अग्नि नहीं देता, अग्निदान नहीं देता है, हाँ। पांडवों में संगम युग में पांडव हुए ना, तो उन पांडवों में मझला लड़का कौन था? अरे भीम था कि नहीं था? भीम पक्का युधिष्ठिर जैसा देवता था या राक्षसी स्वभाव का था? हैं? राक्षसी स्वभाव का था। बाकी पांच पांडवों में चार को ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे राक्षसी स्वभाव का था? 100 कौरवों को उस अकेले ने मारा था। और बड़ी बुरी तरह से मारा था। अनेकों राक्षसों को मारा था और 100 कीचकों को भी मारा था। मारा था ऐसे भी न कहें, हत्या जैसे की थी। दुर्योधन को कैसे मारा था? हैं? जैसे हत्या की जाती है। दुशासन को कैसे मारा था? हैं? हत्या जैसे कर दी। तो ऐसे विभत्स काम करने वाले को नाम भीम दिया है, भीम अर्थात भयंकर। राक्षस भी कैसे होते हैं? भयंकर काम करने वाले होते हैं। तो ये प्रथा बन गई है कि मंझले बच्चे से अंतिम संस्कार नहीं कराते हैं, नहीं तो अंतमते सो गति हो जावेगी।